हेलो गाइस, मेरा आज आप सभी का स्वागत है राज एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, जब भी हमारा तेल ख़त्म हो जाता है तो उसका हम खाली डब्बा कबाड़ में बेच देते हैं, लेकिन मैं उसी खाली डब्बे से बहुत बड़ी यूज़फुल चीज़ बना के दिखाऊंगा जो कि आपके 100% काम आएगी। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के करते हैं ये वीडियो शुरू। देखिए गाइस, हमने एक पुराने तेल का डब्बा लिया है कुछ इस तरीके से। ये डब्बे हर किसी के घर में होते ही है। देखिए, हमें इस पर इस तरीके से निशान लगा देना है। देखिए, बिल्कुल इसके हमें सेंटर पर इस तरीके से एक लकीर खींच देनी है, बिल्कुल सीधी, इसीलिए हम ये निशान लगा रहे हैं। इसके चारों तरफ से हमें इस तरीके से इसके सेंटर में इस तरीके से एक निशान लगा देना है। गाइस, हम इस मार्क पर इस तरीके से कट कर लेंगे एक सबलेट की मदद से। आप चाहे तो किसी भी चीज़ की मदद से इसे कट कर सकते हैं। और गाइस, हम इसे चाकू से ठोक ठोक कर इस तरीके से कट कर रहे थे, तभी हमारा चाकू जो है वो टूट गया था, इसकी मुठ जो है निकल गई थी। तो हम इसी टूटे हुए चाकू से इस तरीके से पकड़ कर हम इसे इस तरीके से इसमें लगाकर हथौड़ी से ठोक ठोक कर इसे कट कर दिया था। इससे से ये बिल्कुल आसानी से गाइस कट हो चुका था। देखिए गाइस, हमने इसी तरीके से इसे कट करके इस तरीके से इसके दो भाग कर लिए हैं, बिल्कुल इस तरीके से। आपको भी इसे ही इस तरीके से ही कट कर लेना है। देखिए, इसके दो भाग हमने कट कर लिए हैं। देखिए गाइस, ये बहुत अभी भी नुकीला है, आपके हाथ में लग सकता है। देखिए, इसका सरफेस बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है, ये आपका हाथ कट कर सकता है। इसी वजह से हम इसे अब अच्छे से एक शेप देंगे। तो गाइस, हम इसे पकड़ की मदद से इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए, आपको ऐसे ही इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है पकड़ की मदद से, कुछ इस तरीके से। आप ये फोल्ड आधे आधे इंच में कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम सभी साइड को इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम अब इसे पकड़ की मदद से इस तरीके से दबा देंगे जो हमने फोल्ड किया था सभी साइड पर। इसी तरह से हम इसे पकड़ की मदद से अब इस फोल्ड को हम दबा देंगे, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए गाइस, हमने इसे सभी साइड को इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। देखिए, अब ये पूरी तरह से फोल्ड हो चुका है। देखिए गाइस, मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। देखिए इस तरीके से। तो गाइस देखिए, ये बिल्कुल प्लेन हो चुका है, अब ये आपका हाथ इससे नहीं कटेगा, ये एकदम मस्त हो चुका है, सरफेस इसका प्लेन हो चुका है। तो गाइस, हम आप क्या करेंगे, हथौड़ी की मदद से इसे ठोक ठोक के और अच्छे से शेप दे देंगे इस पर। देखिए इसी तरीके से आपको जो हमने फोल्ड किया था इसे हथौड़ी से मदद से ठोक ठोक के और प्लेन कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम सभी साइड को अच्छे से पीट पीट के अच्छी शेप दे देंगे। देखिए गाइस, ये एकदम अभी मस्त हो चुका है और ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। देखिए दिखने में कैसा लग रहा है। तो देखिए गाइस, अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसी तरीके से बहुत सारे गमले बना दिए हैं। देखिए, ये छोटा वाला हमने बना के दिखाया था आपको, और इसी का ये दूसरा भाग है, और ये हमने दो इस तरीके से बना दिए है। बस हमने इसके ऊपर का ये कट करके निकाला है टुकड़ा, जैसे कि हमने छोटा वाला बनाया था गमला। देखिए फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हमने ये गमले बना दिए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी के घर में तो पुराने तेल के डब्बे होते ही है, तो इसी से आप बहुत बड़ी यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं। देखिए, और इसमें आप अच्छे खासे पौधे लगा सकते हैं, तो आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, हमने इसमें मिट्टी डाल दिए है और इसमें हमने दो पौधे लगा भी दिए है। देखिए इसी तरह से आप बहुत सारे ये गमले बना सकते हैं जो कि आपके 100% काम में आएंगे, और ये काफ़ी यूज़फुल भी है। आप इसमें बहुत सारे पौधे लगा सकते हो
फूल वाले भी इसमें आप पौधे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।